दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे महाशिवरात्रि क्या है और कैसे मनाया जाता है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों शिवरात्रि तो हर महीने में आती है, लेकिन दोस्तों महाशिवरात्रि साल भर में एक बार। दोस्तों फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि का महत्व इसलिए है क्योंकि ये शिव और शांति की मिलन की रात है। आध्यात्मिक रूप से इसे प्रकृति और पुरुष के मिलन की रात के रूप में बताया जाता है। दोस्तों शिव भक्त इस दिन व्रत रख कर अपने आराध्या का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मंदिरों में जलाभिषेक का कार्यक्रम दिन भर चलता है, लेकिन क्या आपको पता है कि महाशिवरात्रि क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे की घटना क्या है। दोस्तों पौराणिक कथाओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन शिव जी पहली बार प्रकट हुए थे। शिव जी का प्रकटीय ज्योतिर्लिंग यानी अग्नि के शिवलिंग के रूप में था। ऐसा शिवलिंग न तो आदि था न तो अंत। बताया जाता है कि शिवलिंग का पता लगाने के लिए ब्रह्मा जी हंस के रूप में आए थे। दोस्तों शिवलिंग सबसे ऊपरी भाग को देखने के लिए कोशिश कर रहे थे, लेकिन संपूर्ण हो ही नहीं पाए। शिवलिंग को सबसे ऊपरी भाग तक पहुंचने ही नहीं पाए। दूसरी ओर दोस्तों भगवान विष्णु ही बराह के रूप में आकर शिवलिंग के आधार पर ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें भी आधार नहीं मिला। दोस्तों माना जाता है कि 64 जगहों पर प्रकट हुए थे शिवलिंग। एक और कथा यह है कि महाशिवरात्रि के दिन ही शिवलिंग विभिन्न जगहों पर प्रकट हुए थे। महाशिवरात्रि के दिन भजने के महाकालेश्वर मंदिर में लोग दिव्य स्तंभ लगाते हैं। दोस्तों ये जो मूर्ति है उसका नाम लिंगोभव यानी जो लिंग से प्रकट हुए थे। तो दोस्तों चलिए जानते हैं शिवरात्रि पूजा का विधि के बारे में। महाशिवरात्रि को दोस्तों पूरी रात शिव भक्त अपने आराध्या जागरण करते हैं। शिव भक्त इस दिन शिव जी का शादी का उत्सव मनाते हैं। मान्यता है कि महाशिवरात्रि को शिव जी के साथ शक्ति की शादी हुई थी। इस दिन शिव जी ने वैराग्य जीवन छोड़कर ग्रस्त जीवन में प्रवेश किए थे। शिव जो भैरागी थी वो ग्रस्त बन गए। माना जाता है कि 15 दिन पश्चात होली का त्योहार मनाया जाता है। दोस्तों पौराणिक कथाओं के अनुसार शिव जी को पाने के लिए माता पार्वती ने भी किया था उपवास। भगवान शिव के प्रति हिंदू धर्म में गहरी और विशेष आस्था है और शिव शंकर को आनंद माना गया है। दोस्तों माना जाता है कि शिव जी की पूजा और भक्ति करने से सारी कष्ट दूर हो जाती है। दोस्तों मान्यता है कि सती मन से शिव भक्ति करने वाले भक्तों पर उनकी कृपा हमेशा बनी रहती है। दोस्तों पौराणिक कथाओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन ही शंकर जी और माता पार्वती जी की विवाह हुआ था। साथ ही इस दिन भगवान शिव का शिवलिंग अवतार हुआ था। तो दोस्तों महाशिवरात्रि हमारे खोज के मुताबिक हिंदुस्तान में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, खासकर केदारनाथ धाम में। आप महाशिवरात्रि के दिन केदारनाथ जैसे हर कोई शिव मंदिर जा सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।